और वहीं दूसरी ओर अलवर के थनगाजी में युवती से गैंगरेप के मामले में भीम आर्मी ने राजधानी जयपुर में विरोध किया और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट हॉल से पैदल मार्च निकालते हुए सिविल लाइन तक पहुंचे और साथ ही इस दौरान पुलिस का भारी जाप्ता भी तैनात दिखा। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और साथ ही दोषी पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए। स्कूल को जाते हैं तो सुरक्षित नहीं है, वो घर का सामान लेने के जाते हैं तो सुरक्षित नहीं है, एक दो महीने की बच्ची सुरक्षित नहीं है जिसको एक मिनट के लिए बैठ जाइए। अब तो साथी बात चल रही थी और बोले मदद करोगे या नहीं करोगे? वीआईपी रोड जैलल बाजार से निकलेंगे, किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो किसी भी समाज की, इसलिए हम बंद करने के लिए जा रहे हैं। मेरा निवेदन है शांति बनाए रखिए, जुल्म और जालिम के हद देखिए, लाठी मारे गोली चलाए क्या करते हैं हम इनके हद भी देखेंगे, लेकिन ये याद खिलाफ चुप रहना गुलामी है। और क्या आप लोग गुलाम है? क्या आप लोग गुलामी करेंगे? जालिम का हिसाब करेंगे ना? अगर संविधान का सम्मान नहीं करते ना तो न्याय खुद कर देते, पुलिस से तेज ढूंढ लेते उन्हें और पता भी नहीं होते, लेकिन हम